वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास में आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। सब्जेक्ट वाइज सीरीज चल रही है। एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो कि इंडियन ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो चुका है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी खत्म होने वाली है। इसके बाद हम अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और आप लोग कमेंट करके बताएंगे अगला सब्जेक्ट अब आप लोग कौन सा पढ़ना चाहते हैं। इस क्लास की आपको PDF चाहिए, डिटेल वीडियो क्लास चाहिए या फिर आपको अदर कोई कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सभी कोर्सेज की जानकारी वहाँ पर दी गई है, आसानी से आप पढ़ करके अपने कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, डेमो देख सकते हैं। और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। आप कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देखना चाहते हैं या फिर किसी भी कोर्स को लेकर के आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आप कैसे प्रिपरेशन करें तो बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। सिलेक्शन वाला मटेरियल है जहाँ पर आप पढ़ के अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन जो कि भारत छोड़ो आंदोलन था इसकी शुरुआत करने का फैसला लिया। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। ग्वालियर टैंक 8 अगस्त 1942 इसको आयोजित किया गया। आयोजित इस बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। आपको याद रखना है स्थान कहाँ से और कब। तो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। 9 अगस्त 1942 को सभी कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार अर्थात प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई थी। 19वीं सदी के आखिर से जाति व्यवस्था जमींदारी के खिलाफ महाराष्ट्र में एक और गैर ब्राह्मण आंदोलन विकसित हो चुका था और इस आंदोलन ने 1930 के दशक में एक राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध स्थापित कर दिया था। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया जिसे अब अगस्त क्रांति के मैदान के नाम से जाना जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो का जो नारा है वो किसने दिया था। तो समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहर अली इनके द्वारा ये गढ़ा गया था जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था और मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा भी गढ़ा था। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय थी अरुणा आसफ अली। इनको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपने जाना कब शुरू हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी आपको ये भी जानना है कि इस आंदोलन से कौन कौन से व्यक्ति जुड़े थे और उनकी क्या भूमिका रही इस आंदोलन में। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी की ही बात करेंगे। इन्होंने 1942 में साम्राज्यवादी सत्ता का समूल उखाड़ फेंकने हेतु इस आंदोलन को प्रारंभ किया था और उन्होंने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान अपने ऐतिहासिक उद्बोधन में भारत के निवासियों से उपनिवेशी शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। यहीं पर उन्होंने करो या मरो का नारा भी ऐतिहासिक कर दिया था। 9 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। डेट याद रखिएगा कब गिरफ्तार किया गया। सरकार द्वारा आंदोलन के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दमनकारी नीतियों का सहारा लिए जाने के कारण विरोध में इसके फरवरी 1943 में उन्होंने 21 दिन का उपवास भी रखा था। गांधी जी के बाद जो अगले व्यक्ति हैं वो जयप्रकाश नारायण हैं। ये कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। इसके साथ साथ इसमें राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी,
छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका और अच्युत पटवर्धन भी इससे जुड़े थे और ये सभी आंदोलन की भूमिगत गतिविधियों में संलग्न राष्ट्रवादी नेता थे। इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों ने आंदोलन में एक नया आयाम जोड़ा और ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी थी। अगले व्यक्ति हैं चित्तू पांडे, स्वयं को गांधीवादी कहते थे। इन्होंने अगस्त 1942 में संयुक्त प्रांत के बलिया नामक स्थान में सभी पुलिस थानों और सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया और समानांतर सरकार की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये इसका, कई बार इससे प्रश्न भी पूछा गया है। अगली हैं उषा मेहता, इन्होंने आंदोलन में सक्रियता से हिस्सेदारी निभाई थी। उषा मेहता उस दल की एक प्रमुख सदस्य थी जिन्होंने आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर अर्थात खुफिया रेडियो केंद्र की स्थापना की थी। इस आंदोलन से जुड़े अगले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। यद्यपि प्रारंभ में नेहरू गांधीवादी कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे, उदारवादियों का समर्थन कर रहे थे, लेकिन बाद में ये गांधी जी के कार्यक्रम का समर्थन करने लगे और इन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सुमति मोरारजी, इन्होंने अच्युत पटवर्धन को उनकी भूमिगत गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कालांतर में इनकी गणना भारत की प्रसिद्ध महिला उद्योगपतियों के रूप में की जाने लगी। अगले व्यक्ति राजबिहारी बोस, ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने जून 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जो कि मार्च 1942 में स्थापित की गई थी, इसका अध्यक्ष चुना गया था। तो आपको याद रखना है 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष बनाया जाता है राजबिहारी बोस को। कैप्टन मोहन सिंह एक भारतीय सैनिक थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से युद्ध कर रहे थे। इन्हें INA अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी का कमांडर नियुक्त किया गया था। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और इन्होंने ही नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सुभाष चंद्र बोस का बहुत महत्वपूर्ण नारा था जिसने बाद के वर्षों में भारतीयों में राष्ट्रप्रेम की भावना का प्रसार कर दिया। अगले व्यक्ति जो इस आंदोलन से जुड़े थे वो श्री राजगोपालाचारी थे और भूला भाई देसाई। दोनों कट्टर उदारवादी थे जिन्होंने मुस्लिम बहुल प्रांतों को मान्यता दिए जाने की वकालत की थी। इनका तर्क था कि यदि भारत की आज़ादी के लिए ऐसा करना अपरिहार्य हो तो इसे मान लिया जाना चाहिए और 1942 में इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र भी दे दिया था। अगले व्यक्ति हैं KG मशरूवाला। इन्होंने महादेव देसाई की गिरफ्तारी के पश्चात हरिजन नामक पत्र में दो उत्तेजनात्मक लेख लिखे थे, इसलिए इनका भी नाम इसमें लिया जाता है। KT भाष्यम, ये एक बंगलौर के कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने कई औद्योगिक संघों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कई हड़तालों का आयोजन करने में भी सहायता प्रदान की थी। इसके बाद सतीश सामंत आते हैं, ये स्थानीय कांग्रेसी नेता थे और तामलुक नेता जाति सरकार के प्रथम सर्वाधिनायक थे। मिदनापुर के तामलुक सब डिवीज़न में विद्रोही राष्ट्रीय सरकार के गठन में इनकी प्रमुख भूमिका थी। मतांगिनी हाजरा, ये तामलुक की 73 वर्षीय वृद्ध कृषक विधवा थी। 29 सितंबर 1929 को सुतहाता पुलिस स्टेशन पर आक्रमण के समय हिंसा में इनकी मृत्यु हो गई थी। मतांगिनी ने गोली लगने के पश्चात भी तिरंगे झंडे को अपने हाथ से नहीं छोड़ा था, इसलिए इनका नाम अविस्मरणीय है। लक्ष्मण नायक, ये अशिक्षित ग्रामीण थे जिन्होंने कोरापुट के जनजाति तबके को जयपुर जमींदारी के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए संगठित किया था। ये एक वन रक्षक की हत्या के आरोप में 19 नवंबर 1942 को फांसी पर चढ़ा दिए गए थे, इनका भी नाम लिया जाता है इस आंदोलन के साथ। ये इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं जो जुड़े हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन से, महात्मा गांधी जी के साथ सपोर्ट कर रहे थे। बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, उसके बावजूद भी ये डटे रहे और भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन करते रहे। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी हो गई, ये आपकी आज की क्लास से रिलेटेड, अभी भी भारत छोड़ो आंदोलन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं, हाइलाइट्स हैं, वो डेट वाइज अब कवर करनी है। अभी तक जो इनसे जुड़े व्यक्ति थे वो मैंने बताया और कब शुरू हुआ ये भी बताया, इनका क्या रोल रहा इस आंदोलन में ये भी आप लोगों ने समझा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए।
इससे उन लोगों को भी हेल्प मिलेगी। और आप लोग अगर अभी भी क्लास रिवाइज नहीं कर रहे हैं पिछली, तो रिवीजन ज़रूर स्टार्ट कर लें, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बिना रिवीजन के एग्ज़ाम टाइम तक सब भूल जाता है। अब ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये सामान्य सी जानकारी के साथ आप मुझसे पढ़ रहे हैं, इसकी डिटेल PDF पाना चाहते हैं, डिटेल वीडियो क्लासेस देखना चाहते हैं, आप चाहे UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RO-RO-RE एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अदर कोई स्टेट PCS है, उसके लिए आपको अपना कोर्स ज्वाइन करना होगा। आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर डाले हैं उन पर कॉल या मैसेज करके। अदरवाइज आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर आप अपने कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, डेली पेड क्विज दी जा रही हैं और मॉक टेस्ट हैं। ये टेस्ट सीरीज ऐसे डिज़ाइन की गई हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार, उसी तरह के प्रश्नों का संग्रह किया गया है। स्टडी मटेरियल आपको ऐसा दिया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बस एक ही जगह सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसमें आपको PDF नोट्स दिए जा रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस में, और ये अलग से वीडियो जो आपको दिए जा रहे हैं, फ्री वीडियो भी दिए जा रहे हैं। जो पेड कोर्स नहीं ले सकते वो तो प्रिपरेशन करेंगे ही, लेकिन ये जो पेड कोर्स है इसमें आपको डिज़ाइन की गई क्लासेस ऐसे कि माइंड मैप के जरिए, या फिर स्लाइड ऐसे डिज़ाइन की गई है कि आसानी से आप अपना जो भी कोर्स है वो लर्न करते चले और आपको बर्डन ना रहे। करंट अफेयर आप ज़रूर प्रिपेयर करते रहिए, हर एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल है करंट अफेयर का। डेली करंट अफेयर पढ़िए, मंथली करंट अफेयर कवर कीजिए, और फिर ईयरली जब एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम के आसपास आप पूरी करंट अफेयर एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। तो ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ जानकारी है जो मैंने दी, आई होप आपको हेल्प करेगी। ऐसे ही और क्लासेस के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।